ईसा जहां भी गए स्वर्ग ने पृथ्वी को छुआ, स्वर्ग राज्य का आरंभ हुआ। स्वर्ग राज्य अर्थात शांति और न्याय का राज्य। कलीसिया का कार्य ईश्वर के इस राज्य का, जिसे प्रभु ईसा ने आरंभ किया, हर राष्ट्र में पल्लवन और विस्तार है। कलीसिया वह स्थान है जहां पवित्र आत्मा पूर्णतः उपस्थित रहते हैं। माता मरियम कलीसिया की माता है। माता मरियम का पवित्र द्वित्व से अटूट संबंध है। वे पिता ईश्वर की संतान हैं। हम सब पिता ईश्वर की संतान हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा का अपने शरीर में स्वागत किया। वे पवित्र आत्मा की कृपा से गर्भवती हुई। वे प्रभु ईसा की माता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और माता मरियम के विशेष प्रेम से परिपूरित है होली स्पिरिट चर्च पालदा, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और औद्योगिक राजधानी इंदौर से कुछ दूर पर स्थित है पालदा गांव। इस पल्ली का कार्यभार सन 2011 में फादर जॉमन को सौंपा गया, जब उन्होंने पल्ली पुरोहित का कार्यभार संभाला। तब यहाँ छोटा सा गिरजाघर था। ये फादर का संकल्प था कि वे यहाँ एक बड़े चर्च का निर्माण करें। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने माता मरियम से मध्यस्थता प्रार्थना की। जब मैं 2011 में पल्ली पुरोहित के रूप में इस होली स्पिरिट चर्च पालदा का भार संभालने लगे, तो मेरे मन में एक ही उद्देश्य था कि हमारे इस चर्च के लिए एक नया गिरिजाघर का निर्माण हो। ये तब पॉसिबल होगा जब हम मिलकर माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। 2011 से हमने माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ये नया गिरिजाघर बनाने के लिए हम प्रार्थना आरंभ किया। हमारे पल्ली के प्रत्येक परिवार को हम प्रार्थना कार्ड बनाकर बांट दिए और उनसे आग्रह किए कि रोज इस पल्ली निर्माण के उद्देश्य के लिए प्रार्थना करते रहे। मेरा यह विश्वास रहा है, जब हम माता मरियम के पास आकर उनकी मध्यस्थता मांगते हैं, माता मरियम हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनती है और समय समय पर अपने प्रिय पुत्र से आवश्यक कृपाएं और वरदान हमें प्रदान करती है। यह विश्वास को लेकर मैंने अपने पल्ली के इस निर्माण कार्य को माता मरियम के हाथ में समर्पण करें और इस पल्ली निर्माण के लिए पर्याप्त राशि इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न करते रहे। चर्च के निर्माण के बाद फादर को माता मरियम की असीम कृपा का अनुभव हुआ, इसलिए माता मरियम के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिए फादर ने माता मरियम की प्रतिमा बनाने का निश्चय किया। ये गिरजाघर का निर्माण के बाद हम माता मरियम के लिए एक उज्जवल स्थान बनाए, एक भव्य और सुंदर ग्रोटो का निर्माण करें। और जो इस गिरजाघर का निर्माण कर रहा था, हमारा कॉन्ट्रैक्टर केपी कंस्ट्रक्शंस, जिनका प्रोपराइटर था बिजू केपी, उनसे मैंने कहा कि इस गिरजाघर के निर्माण के बाद हम माता मरियम के लिए एक सुंदर सा ग्रोटो बनाए। और मेरे मन में यही लक्ष्य था कि यह उद्देश्य था कि ऐसा एक ग्रोटो का निर्माण होना चाहिए जिस प्रकार के साधारण से ग्रोटो से थोड़ा भिन्न हो, थोड़ा अच्छे हो,
देखने में अच्छे हो। मादा मरियम के चरणों से पानी बहते रहे और मादा मरियम के सामने छोटा सा ये कुंड हो, इसमें पानी हो और लोग मादा मरियम के ग्लोटो के सामने आकर विशेष रूप से समय बिताए, मनन चिंतन करें और मादा मरियम की मध्यस्थता की याचना करें। जब फादर ने सुंदर प्रतिमा बनाने का निश्चय किया तब इसके लिए उन्होंने कई स्थानों पर माता मरियम की प्रतिमा को देखा और फिर बंगाल के कारीगरों से उसे बनवाने का निश्चय किया। इस ग्रोटो का निर्माण के लिए हम कलाकारों की तलाश में थे। मिस्टर बिजू ने कहा कि उनके नॉलेज में कोई ऐसे कलाकार हैं, बंगाल से आए हुए कलाकार हैं, हम उनको बुला के हमारे ये सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि वे इस ग्रोटो का निर्माण करेंगे। और मिस्टर बिजू ने अपना सहयोग राज देते हुए कहा कि वो इस ग्रोटो का 50% तक का लागत लगाएंगे अपने विश्वास के कारण। और उन्होंने कहा कि माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा उनको भी ये आशीष मिले हैं कि इतना बड़ी गिरिजाघर का निर्माण कार्य यहाँ आरंभ करें। और ये भी रहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट के रूप में सबसे पहला एक निर्माण कार्य था ये चर्च का। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी माता के लिए ज़रूर एक ग्रोटो पल्ली के लिए बना के दूंगा। और उनसे संपर्क करने से, उनके साथ बात करके हम बंगाल से आई हुई हमारे कलाकारों को लेकर ये ग्रोटो बनाने का कार्य आरंभ किया और 6 महीने के अंदर अंदर ही हम ये ग्रोटो का निर्माण कार्य किए हैं। इस कार्य के लिए कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर बीजू का भी सहयोग अभूतपूर्व है क्योंकि उन्हें भी यहाँ माता मरियम की उपस्थिति का एहसास है। क्रिसमस का समय पे हमने एक क्रिसमस क्रिब बनाने का योजना किया था और मैं भी उसके साथ में क्रिब बनाने के लिए फुल टाइम फादर के साथ में जुड़ गया। और वो क्रिसमस क्रिब बनाने के समय पे एक दिन अचानक एक लकड़ी काटने के टाइम में मेरा पाँव में कट्टर लग गया और वो थोड़ा बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक 88 स्टिचेस आया था मेरा पाँव में। और वो सभी लोग उस समय में मेरे को ये बताया, आपको ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं था। और उस समय पे भी सभी लोगों ने, मेरा माता पिता और मैं भी माता मरियम से निरंतर प्रार्थना करता था कि ये भी आपका कुछ ना कुछ योजना होगा, पद्धति होगा मेरे ऊपर और मैं इसको भी सहन कर लूँगा ऐसा। और उसका जैसा तुरंत बाद सभी फादर लोग, सिस्टर लोग मेरे को मिलने आता था, मेरा कार्य पूछता था कैसा हुआ क्या हुआ ये सब ये करता था। और इसके फलस्वरूप ये सभी लोग मेरे को जानने लगा। तब तक ये चर्च बनाने का उस समय तक मैं अपना इधर का कम्युनिटी का सिस्टर लोग फादर लोग से किसी के ज़्यादा संपर्क में नहीं था। उसके बाद में ये सभी लोग मेरे को जानने लगा, उसके कारण से मेरे को काफ़ी बहुत सारा अवसर मिल गया कंस्ट्रक्शन। और मैं ये मानता हूँ ये ईश्वर का योजना है, पद्धति है। और मेरे को ये दुर्घटना हुआ तो भी ये भी उनका एक पद्धति है, ये मानता हूँ। माता मरियम की प्रतिमा सन 2016 में बनकर तैयार हो गई और तब से यहाँ हर साल दिसंबर 8 को 9 दिवसीय नोवेना प्रार्थना और उत्सव मनाया जाता है। हमने ये भी सोचा कि माता मरियम के लिए एक उचित समारोह और फीस्ट हम रखें और ग्रोटो फीस्ट के रूप में हम दिसंबर 8 तारीख का दिन रखा है और उस दिन हम अपने ग्रोटो के फीस्ट मनाते हैं। हर साल 9 दिन के नोवेना के बाद हम बड़े धूमधाम से ये त्यौहार दिसंबर 8 तारीख को मनाया जाता है। और दिसंबर 8 तारीख को करीब 600 से 800 तक लोग फीस्ट डे के दिन उपस्थित रहता है और कई लोगों को अपने जीवन में कई प्रकार चमत्कार उनके जीवन में घटित हुए हैं और कई प्रकार के अनुभव उन्होंने माता मरियम से पाए हैं। ममता मई माता, दया की माता, यहाँ सत्य में दया प्रदर्शित करती है। विश्वास वो डोर है जिसे थाम कर
विश्वासी जब चलते हैं तो अभूतपूर्व कार्य संपन्न होते हैं। हर साल यहाँ उत्सव में कई लोग आते हैं और माता मरियम को मध्यस्थता के लिए पुकारते हैं। प्रेम से परिपूर्ण माता मरियम भक्तों की चंगाई के लिए प्रार्थना करती है। ऐसे कई चमत्कार फादर ने स्वयं देखे हैं। हमारे पल्ली के दो लोग भक्तगण को विशेष रूप से माता मरियम की कृपा से चंगाई मिले हैं। एक तो हमारे सुषमा प्रकाश नामक हमारी एक बहन है। मैं मिसेस सुषमा पुलिस विलेज चर्च पालदा की एक मेंबर हूँ। 2018 में मेरे साथ एक दुर्घटना घटा। मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी तो वहाँ पर मैं फिसल के गिर गई थी। उस वक्त मेरा राइट पैर का हड्डी टूट गया था। टूटते से मेरे को वहाँ पर पास वाले हॉस्पिटल में ले गए। मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ इसलिए एकदम शुगर अप हुआ, शुगर और बीपी दोनों हाई हो गए। इस कारण से तुरंत मेरा ये ट्रीटमेंट नहीं चला। दो दिन के बाद तीसरे दिन मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ, रॉड लगा दिया गया और मैं ठीक हो गई थी। लेकिन वो एक्चुअली क्या हुआ, मेरे जो स्टिचेस है वो स्टिचेस खोलते वक्त थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया था। स्टिचेस के साथ में मेरा स्किन कट गया। स्किन कटने के कारण मुझे इन्फेक्शन होने लग गया, पूरा बड़ा घाव बन गया। ना बड़ा घाव बन गया कि उसके पूरे लेगामेंट्स वगैरह सब काटने काटने कट लग गए और मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी बंद हो गया था उस पैर का। इसके बाद मैंने माता मरियम से मैंने प्रार्थना किया कि माँ, अपने बेटे से चमत्कार करवाने वाली मेरी माँ, मुझे आप पर बहुत विश्वास है। आपके कारण आपने ही पहला चमत्कार करवाया ईश्वर से, वही चमत्कार आप मेरे से करवा मेरे लिए करवा दीजिए। मैंने ऐसे मजिस यहाँ जो ग्रोटो है माता मरियम के, उस ग्रोटो की माता मरियम का चेहरा मेरे आँखों के सामने मैंने देखा। मैंने वहाँ से विनय किया, विनती किया। इसके बाद मुझे सच में दर्शन हुआ कि माता मरियम ने मुझे सांत्वना दिया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा हो गया मेरे पैर में, मुझे नहीं लगा। डॉक्टर्स ने कहा कि इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। मेरे एंकल बोन निकल चुकी है, जॉइंट बोन भी निकल चुकी है। मेरा दिल बहुत दर्द होने लगा। मैंने सोचा क्या हुआ मम्मी, ये क्या हो गया अपना माँ। फिर भी मेरी हिम्मत था कि जो अंग मेरे परमेश्वर ने जो दिया है, यीशु ने जो अंग मेरे को दिया है वो इंसान नहीं काट सकते, वो इंसान कभी अलग नहीं कर सकते हैं। आप पर मुझे भरोसा है माँ, आप मेरे लिए विनती कर रहे हैं। हाँ, और अब मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मेरे ब्लड सर्कुलेशन भी होने लग गया और स्किन ग्राफ्टिंग का कह रहे थे डॉक्टर, उधर का पूरा स्किन खराब हो गया। डॉक्टर कहे स्किन ग्राफ्टिंग होना है। तो सब भी मैंने आंखें बंद करके माता मरियम से कहा, आप ही हैं माँ, आपको ही मैं सब कुछ सौंपती हूँ। इतना बड़ा मिरेकल हुआ मेरे साथ कि स्किन अपने आप होना आने लग गया। डॉक्टर्स भी इतने आश्चर्य हो गए। डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है। यही नहीं, माता मरियम के कई चमत्कार यहाँ प्रदर्शित हुए हैं। यहाँ माता मरियम के चमत्कार सुनकर हर धर्म के लोग आते हैं।
हमने देखा कि लोगों के बीच में या लोगों के साथ माता मरियम की भक्ति बहुत है, ना सिर्फ इधर विशेष तौर से होली स्पिरिट चर्च पालदा में, इसीलिए ग्रोटो का निर्माण हुआ। जब से निर्माण हुआ, पल्ली पुरोहित जोमन जेम्स ने कहा, मिस्र बलिदान के बाद हम जब अंतिम गीत गाया जाएगा, हम सभी गीत गाते हुए हम ग्रोटो के पास चले, और आज एक आदत सी बन गई है। मिस्सा के बाद पहली मिस्सा हो या दूसरी मिस्सा हो और कोई मिस्सा भी हो, मिस्सा के बाद सभी जन हम मातम ग्रोटो के पास पालदा में इकट्ठे हो जाते हैं। थोड़ा समय हम भक्ति चढ़ाते हैं और साथ साथ में प्रार्थना करते हैं। और जब से ये ग्रोटो का निर्माण हुआ, जब से हम प्रार्थना करते हैं ग्रोटो के पास, ना सिर्फ हमारे जीवन में बल्कि पूरी पल्ली के हर एक परिवार में भी इसका असर पड़ा है। और मेरे ख्याल से माता इन सभी को आशीष से भर देती है, क्योंकि जहां हम माता मरियम भक्ति करते हैं, हम प्रभु की भक्ति कम करते हैं। कुछ लोगों के बीच में ऐसा धारणा है, यदि माता मरियम के पास हम चलें, हम प्रभु से हटकर जीते हैं। नहीं, हर कोई हम जानते हैं हमारा एक त्रिएक भगवान वो है जो कि हर एक को प्रभु के पास खींचता है, और वही प्रभु पिता के द्वारा हमें पहुंचाता है। और आज जब हम इस विषय तौर से होली स्पिरिट चर्च पालदा के हम यहाँ भक्ति हम देखते हैं, कई लोगों के बीच में माता मरियम की भक्ति बढ़ गई है, और वही माँ हर एक परिवार को आशीष भर देती है, क्योंकि जहाँ माता मरियम की हम भक्ति करते हैं, वो माँ कभी हमको दूर नहीं रखती है। और आज के दिन जब हम इधर होली स्पिरिट चर्च पालदा के ग्रोटो के पास हम यहाँ हैं, वही माँ हमारे आशीष भर देती है। मेरे ख्याल से इस पूरे इलाके में इंदौर दन प्रांत में सबसे सुंदर ग्रोटो का निर्माण हुआ है, वो है होली स्पिरिट चर्च पालदा में, क्योंकि एक ऐसा सुंदर ग्रोटो बना रखा है कि हर कोई उससे आकर्षित हो जाता है, ना सिर्फ त्योहारों के दिन या संडे के दिन, इतवार के दिन, बल्कि हर दिन कोई ना कोई आकर इस ग्रोटो के पास आकर माता मरियम की भक्ति करता है, माता से कोई विनती करता है, क्योंकि ये ग्रोटो बहुत सुंदर ढंग से यहाँ का निर्माण हुआ है। तो आइए क्रिस्ट में प्यारे भाई बहनों, जहाँ माता मरियम का भक्ति हमें करना है, हमें ऐसा सोचना चाहिए, कोई भी बच्चा कोई पापा से कुछ मांगता है, कभी कभी कोई बेटी से मांगता है या कोई माँ से मांगता है, माँ का सम्मान कम नहीं होता, ना पापा का सम्मान होता, क्योंकि दोनों एक से मांगते हैं। जैसे कि हम माता मांगते हैं, यदि हम माता से मांगते हैं, वही प्रभु देने वाला है। माँ एक रास्ता है, वो एक अंत नहीं है, इसलिए हम कहते हैं मेरी इज अ वे, शी इज नॉट एन एंड। तो आज के दिन हम सभी जो कि यहाँ भक्त हम बैठे हैं, भक्ति हम चढ़ाते हैं, वही माँ से विनती करें, जो परिवार में हमें कमी है, विशेष तौर से जहाँ स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, जहाँ परिवार में शांति की जरूरत है, हम वही माँ से मांगे, क्योंकि माँ जाकर प्रभु से, पिता से और आत्मा से फुसफुसाती है, गुनगुनाती है और कहती है हमारे क्या चाहिए। तो वही माँ से हम आज भी विनती करें, हमारे पूरी मनोकामनाएं प्रभु के द्वारा वो पूरा हो जाए। माता मरियम वे मार्ग है जो हमें प्रभु ईसा तक ले जाती है, हम भी वैसे ही जीवन यापन करने का प्रयास करें जैसे उन्होंने किया। ईश्वर को प्रेम, ईश्वर की लालसा और ईश्वर को ही प्रसन्न करना।